Okay, good morning all of you. Let us start our today's topic without wasting time. You know, we were doing yesterday, collision we have started, and in the last lecture we have just had an introduction of collision. What is collision? How many types of collision do we have? How can we classify collisions? What are the quantities that are involved in collision? And those quantities, how changes before the collision and after collision? कैसे आपके पास जो quantities हैं, वो before collision और after collision क्या करती हैं? Change हो जाती हैं. तो ये सारी चीजें हमने कल study कर ली थी. And the last thing that we have discussed was coefficient of restitution. E हमने study किया था और वो जो E था वो सबसे important है और उसी के based पे आज हम अपना first जो कोलिजन टाइप ऑफ कोलिजन डिस्कस करने वाले हैं दैट इज इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. प्लीज ध्यान से समझें, पेपर में यही आता है इस यूनिट से. इलास्टिक कोलिजन, आपको पता है कल हमने बताया था कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ कोलिजन्स, इलास्टिक कोलिजन एंड इन इलास्टिक कोलिजन. ठीक है, अब इलास्टिक कोलिजन को हम स्टडी करेंगे, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन. फिर हम इन इलास्टिक कोलिजन को डिफाइन करेंगे इन वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन. बस दो दिन में ये यूनिट खत्म हो जाएगी. सो टुडे इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन. प्लीज बहुत ध्यान से समझे, साथ साथ समझे, जिसको जो प्रॉब्लम हो मुझे मैसेज कर सकता है. ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वन डायमेंशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, और कोलिजन है, कोलिजन कब होगा, एटलीस्ट टू बॉडीज होंगी. वन डायमेंशन की बात करेंगे मतलब स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे. ठीक है, तो इसके अंदर टू बॉडीज इनिशियली मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं दो बॉडीज. ये दो बॉडीज है आपके पास, दिस इज बॉडी ए, इसका मास इज एम वन, इट इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू वन. ठीक है, या फिर आप ऐसे नहीं बनाना चाहो तो आपके बुक्स में जो डायग्राम गिवन है मैं उसी से चलती हूँ. ठीक है, सम स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज, इट इज मूविंग विद वेलोसिटी यू वन. ठीक है, देर इज अनदर बॉडी, बॉडी बी, इट्स मास इज एम टू एंड दिस इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी यू टू एंड इट इज ऑल्सो मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन. नाउ दीज टू आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन एंड हियर यू वन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन यू टू, मीन्स ये ऑब्जेक्ट जो है ये फास्ट मूव कर रहा है. तो आपको पता है अगर ये फास्ट मूव कर रहा है तो डेफिनेटली ये एक ऐसा टाइम आएगा अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर है, इट विल स्ट्राइक्स इनटू दिस बॉडी एंड इट विल क्रैश इनटू दिस बॉडी और डेफिनेटली देयर विल कोलिशन विल अकर ओवर हियर. बॉडी ए विल कोलाइड विद बॉडी बी और ए की वेलोसिटी अगर ज्यादा है तो ये अपनी कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देगा. यही हमने स्टडी किया है अब तक. तो ड्यूरिंग द कोलिशन ये इनकी स्टेट है, दिस इज द स्टेट ड्यूरिंग द कोलिजन, कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए हैं, टकरा गए हैं. ठीक है, अब देखिए ये दोनों अगर एक दूसरे से टकरा गए हैं तो टकराने के बाद क्या होगा, मान लेते हैं ये कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है. परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हमने कंडीशन स्टडी की थी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व, सेकेंड आपके पास क्या है, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व एंड थर्ड थिंग टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व. ये तीनों conditions थी इलास्टिक कोलिजन के लिए. इलास्टिक कोलिजन जो होगा उसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, मोमेंटम कंजर्व रहेगा एंड थर्ड थिंग टोटल एनर्जी भी क्या रहेगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी. तो कोलिजन के बाद दिस इज द सिचुएशन ड्यूरिंग द कोलिजन. अब इनकी जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वो क्या होगी, कल मैंने आपको बताया था कि जिस वेलोसिटी से ये एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, देखिए ये अप्रोच वाली स्टेट है तो यहाँ पे यू वन वेलोसिटी ग्रेटर थी किससे, यू टू से. तो यहाँ पे जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी कोई बता सकता है क्या होगी, मैं ब्लैंक छोड़ रही हूँ आपके लिए, फटाफट आंसर कीजिए. नो, ओके, यू वन माइनस यू टू, दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. गुड, एक दो बच्चों ने आंसर दिया है. ओके, अब इसके बाद क्या होगा, दिस इज द स्टेट ड्यूरिंग द कोलिजन. अब इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी ऑब्जेक्ट ए की, तो इट हैज ड्यूरिंग द कोलिजन इट हैज ट्रांसफर्ड सम ऑफ इट्स एनर्जी टू द बॉडी बी. बॉडी बी को इसने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी है
गुड साक्षी मनीषा, देन क्या होगा कि दिस ऑब्जेक्ट बी हैज एक्वायर्ड और गेन सम वेलोसिटी और एनर्जी फ्रॉम बॉडी ए. तो अब बॉडी बी की जिस कोलिजन के बाद जिस वेलोसिटी से बॉडी बी विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, वो वेलोसिटी होगी यू टू. और कोलिजन के बाद भी ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, बॉडी ए और बी. अब इसकी जो वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से ये बॉडी ए मूव करेगी आफ्टर द कोलिजन वाली स्टेट है, दिस इज आफ्टर द कोलिजन. यहाँ पे बिकॉज ऑब्जेक्ट बी हैज एक्वायर्ड सम एनर्जी फ्रॉम ऑब्जेक्ट ए, सो इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑल्सो गेट इंक्रीज्ड. अब इसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कम है. तो कैन आई से आफ्टर कोलिजन जो वी टू है इज ग्रेटर देन वी वन. और देखिए कोलिजन होने के बाद ये सेपरेट हो गए हैं, दोनों अलग अलग हो गए हैं. तो कैन आई राइट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, कोई बताएगा मुझे क्या होगी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन? कैन एनीबडी टेल मी? यस सुमित यू आर राइट, कनिका गुड, मनीषा दैट मीन्स यू आर गेटिंग द कंसेप्ट, दैट इज माई ओनली एम. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, देखिए ये अप्रोच है बिफोर कोलिजन, डोंट गेट कंफ्यूज, दिस इज द स्टेट बिफोर कोलिजन. तो ये आप सबको पता होना चाहिए. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है आफ्टर कोलिजन. तो ये सब आप यहाँ पे लिखेंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं दूंगी मैं. दिस इज आफ्टर कोलिजन. तो आफ्टर कोलिजन जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी दैट वुड बी वी टू माइनस वी वन. आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे बता दे. नेक्स्ट स्टेप की तरफ फॉरवर्ड करते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज, अब देखिए ये तो हमने रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन लिख ली है. अब चलते हैं मोमेंटम की तरफ. तो लीनियर मोमेंटम, LM स्टैंड्स फॉर लीनियर मोमेंटम. लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉल्स, अब हम लीनियर मोमेंटम को भी डिफाइन करेंगे बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन. ये दो बॉडीज हैं, ठीक है, ऑफ टू बॉल्स, टू बॉडीज. बिफोर कोलिजन क्या होगा, बिफोर कोलिजन क्या होगा, एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू, सिंपली जो इसका मास है ऑब्जेक्ट का और उसकी इनिशियल वेलोसिटी है, जो ये सेकेंड बॉडी है उसका मास कितना है और इनिशियल वेलोसिटी, बिकॉज मोमेंटम क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट. तो दिस इज एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू. आई होप क्लियर. लीनियर मोमेंटम ऑफ टू बॉडीज आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी है दैट आर मूविंग विद वेलोसिटी वी वन एंड वी टू. तो दिस इज एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू, यही होगा. अब देखिए आपके पास लीनियर मोमेंटम क्या होता है, आपने स्टडी किया है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम. दैट मीन्स लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन. तो लीनियर मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन विच टाइप ऑफ कोलिजन, इन बोथ कोलिजन, इलास्टिक एज वेल एज इन इलास्टिक. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द इलास्टिक कोलिजन. सो आई वुड राइट लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन. देयरफोर जितना लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन है उतना ही लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन होगा. सो वी कैन इक्वेट द कोलिजन बिफोर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम होगा और आफ्टर कोलिजन जो लीनियर मोमेंटम होगा, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे एंड इट वुड बिकम एम वन यू वन प्लस एम टू यू टू. एंड दिस इज इक्वल टू कितना होगा, एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू. आई होप दिस इज क्लियर. अब क्या करोगे, देखिए यहाँ पे क्या है, एम टू है, यहाँ पे भी M2 है. टेक M2 M2 ऑन वन साइड एंड M1 M1 ऑन वन साइड. ये M2 U2 है, M2 V2 को एक तरफ ले लो, M2 U2. अब ये डेरिवेशन चलेगी, ध्यान से देखना, आप लोग थोड़े से बायो के स्टूडेंट्स हो गए हो अब. सो दिस इज M1 V1 प्लस M1 U1. आई होप दिस इज क्लियर. अब इसके लिए सॉरी, दिस इज माइनस M1 U1, हमने इसको इस तरफ शिफ्ट किया है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से M1 V1 ये भी किसका रहेगा, माइनस का. तो यहाँ से आप M2 M2 कॉमन ले सकते हो, दिस इज M2 और ये हो जाएगा आपके पास V2 को आपने कॉमन लिया है ना, तो ये होगा आपके पास M2 V2 M1 U1 M1 U1 माइनस, एक मिनट बेटा,
ये आपके पास देखिए यहाँ पे M1 है, इस M1 को आप उधर ले जाइए तो ये आपके पास हो जाएगा। M1 को अगर कॉमन लेंगे, M1 को अगर हम कॉमन लेते हैं तो दिस इज U1 माइनस V1, क्लियर। अगर इसको हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं तो M1 को कॉमन ले लिया, दिस इज U1 माइनस V1। इसी तरीके से अगर M2 को अगर कॉमन लेते हैं तो ये V2 है आपके पास, और ये आपके पास U2 उधर जाएगा तो माइनस में। ये क्लियर है सबको? हाँ, सिंबल्स का सब्स्ट्रैक्शन देख लिया मैंने बेटा। M1 अभी क्लियर है? ये देखिए आपने क्या किया, M1 को यहीं पे रख लिया, M1 U1, M1 V1 को इधर से शिफ्ट कर दिया। तो आपके पास है M1, यू हैव टेकन आउट कॉमन U1 माइनस V1 एंड दिस इज इक्वल टू M2, यहीं पे रखा M2 V2, M2 U2 को इधर से शिफ्ट कर लिया, तो दिस इज M2, ये आपके पास आ गया V2 माइनस U2, क्लियर है? अब देखिए ये आपके पास इक्वेशन आ गई है, बाकी को सारे को रब कर देते हैं, उसका कोई काम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व था, हमने देख लिया मोमेंटम इनिशियल और फाइनल को क्या किया, हमने इक्वेट कर दिया। अब सेकंड थिंग जो आपके पास इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व रहती है वो क्या रहती है, आपके पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है। तो अब हम क्या करेंगे, इनिशियल जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है दोनों बॉडीज की, वो बिफोर कोलिजन क्या है और आफ्टर कोलिजन क्या है, और उनको क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ये भी रबी हो गया है, कोई नहीं। अब जो सेकंड थिंग है, हमारे पास रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट को एक बार लिख लेते हैं। M2 को हमने कॉमन लिया था, दिस इज V2 माइनस U2 एंड दिस इज इक्वल टू M1 U1 माइनस V1, एंड इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। नाउ सेकंड थिंग जो आपके पास इन इलास्टिक कोलिजन के अंदर कंजर्व्ड रहती है वो है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन कितनी होगी, बिफोर कोलिजन होगी हाफ M1, और M1 बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो कितनी थी, U1 स्क्वायर। तो सेकंड बॉडी थी उसका मास कितना था, M2, उसकी वेलोसिटी कितनी थी, U2 का स्क्वायर। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन। अगर मैं इसको यहीं से इक्वेट कर लूं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी अगर कंजर्वड है दैट मींस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे भी मैं अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी की इसको इक्वेट कर देती हूँ तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मास रिमेन सेम ड्यूरिंग द कोलिजन, देर इज नो इफेक्ट ऑन द मास, तो मास इज कॉन्स्टेंट एंड इट इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस हाफ M2 V2 स्क्वायर। बेटा किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। अब यहाँ से जैसे हमने इक्वेशन को वहां पे रीअरेंज किया था, यहाँ पे भी हम सेम वैसे ही इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। अब आपके पास यहाँ से क्या हो सकता है, देखिए हाफ M2, यहाँ पे भी M2 है और यहाँ पे भी M2 है, M2 वालों को एक तरफ ले लीजिए तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, हाफ M2। अगर मैं इस टर्म को अगर उधर शिफ्ट कर दूं तो क्या आ जाएगा, हाफ M2 आपने कॉमन ले लिया, यहाँ पे V2 है, तो V2 के स्क्वायर में से अगर इस टर्म को आप लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट कर रहे हो तो ये U1 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा, यहाँ पे आपके पास M1 है, तो हाफ M1 को यहीं पे रखिए, और हाफ M1 को अगर यहीं पे रखते हो तो ये U1 का स्क्वायर माइनस, यहाँ पे इसको इस तरफ लेके आओगे लेफ्ट हैंड साइड, सो V1 स्क्वायर वुड बी माइनस V1 स्क्वायर। ये क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ये काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन भी क्लियर है सबको। तो हमने देखा कि इलास्टिक कोलिजन के अंदर मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है, तो मोमेंटम कंजर्व्ड है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है, फ्रॉम दैट वी हैव गोट वन इक्वेशन। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है, फ्रॉम दैट वी हैव गोट वन इक्वेशन। अब देखिए यहाँ से M1 हाफ से हाफ कैंसिल एंड यू आर लेफ्ट विथ M1, या फिर पहले M2 लिख लेते हैं, M2 क्योंकि यहाँ पे M2 है आपके पास, V2 का स्क्वायर, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक रिजल्ट तक पहुंचना है इसलिए मैंने इसको रीअरेंज किया है, एंड दिस इज M1 U1 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। क्लियर है, बाकी सबको इरेज कर रही हूँ मैं। किसी को अगर क्लियर नहीं है यहाँ तक तो बताएं मुझे। ओके, बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हम रिजल्ट तक पहुंच गए हैं, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें सेकेंड इक्वेशन को डिवाइड कर देना है बाय द फर्स्ट इक्वेशन। तो डिवाइडिंग जैसे मैं करा रही हूँ आप लोग ऐसे ही कराएंगे, जैसे मुझे पता ही ना चले कि क्या करा रहे हो आप लोग, डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट।
यही करेंगे तो सेकेंड इक्वेशन का रिजल्ट इज दिस इज एम टू वी टू स्क्वायर माइनस यू टू का स्क्वायर। देखिए अगर कोई गलती हो तो मुझे बता दीजिए क्योंकि इक्वेशन है। एंड लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड से डिवाइड करेंगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड है सेकेंड इक्वेशन की और ये लेफ्ट हैंड साइड है फर्स्ट इक्वेशन की, तो इसको डिवाइड कर दीजिए एम टू वी टू माइनस यू टू। अब समझ गए होंगे मैंने क्यों इसको एम टू को पहले लिखा था और एम वन को बाद में लिखा था। अब आपके पास दिस इज सेकेंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड, सो एम वन यू वन स्क्वायर माइनस वी वन का स्क्वायर और ये आपके पास है एम वन यू वन माइनस वी वन। क्लियर? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, फॉर्मूला ओपन करेंगे तो इट वुड बिकम एम टू, ये आपके पास होगा वी टू प्लस यू टू एंड वी टू माइनस यू टू, क्योंकि ये आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली आइडेंटिटी लग जाएगी। इतना मैथ्स तो याद होगा अभी, वी टू माइनस यू टू, अभी तो बायो वाले नहीं हो मैथ्स वाले ही हो। एंड इट वुड बिकम यू वन प्लस वी वन इंटू यू वन प्लस सॉरी माइनस वी वन एंड दिस इज एम वन यू वन माइनस वी वन। यहाँ तक कोई गलती तो नहीं की मैंने? ओके okay, अब देखिए कैंसिल आउट क्या हो रहा है, एम टू से एम टू कैंसिल आउट, वी टू माइनस यू टू, वी टू माइनस यू टू, एम वन से एम वन कैंसिल आउट, यू वन माइनस वी वन और यू वन माइनस वी वन। एंड फाइनल रिजल्ट अगेन हमारे पास एक आ गया है और फाइनल रिजल्ट दिस इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई गलती होगी तो यहीं तक चेक कर लीजिए, अदरवाइज अगर यहाँ पे गलती है तो आपकी इक्वेशन आगे सही नहीं होगी। वी टू प्लस यू टू एंड दिस इज इक्वल टू यू वन प्लस वी वन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। यहाँ तक किसी को कोई गलती है तो बता दीजिए, जिसको नहीं समझ आया है तो बता दीजिए, आगे चले। ओके बाकी कोई रेज कर देती हूँ। देखिए फिजिक्स बहुत अच्छी है, बस आपको थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना होगा, बाकी सब्जेक्ट्स आप विदाउट कंसंट्रेशन भी पढ़ सकते हो लेकिन फिजिक्स नहीं होगा। अब देखिए ये आपके पास थर्ड इक्वेशन आ गई है, क्लियर? इस थर्ड इक्वेशन से हमें थोड़ा सा कुछ करना है और वो क्या करना है, एक v1 टू दिस साइड, u2 टू दिस साइड शिफ्ट कर दीजिए। u v2 माइनस v1 एंड दिस इज इक्वल टू u1 माइनस u2, ये क्लियर है? एक्चुअल में थर्ड इक्वेशन ये है आपके पास, ये डुप्लीकेट इक्वेशन थे, ये ओरिजिनल इक्वेशन है। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? अब देखिए आपको पता है कि वन डायमेंशन का कोलिजन, डायमेंशन के अंदर जो हम डायमेंशन ले रहे हैं वो वन डायमेंशन ले रहे हैं और कोलिजन ले रहे हैं वो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन ले रहे हैं, ठीक है? तो यहां से ये देखिए ये क्या है, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, यही थी, यही लिखा था ना भाई हमने, यहाँ पे v2 ग्रेटर था v1 से और यहाँ पे u1 ग्रेटर था किस से, u2 से। तो देखिए ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन और ये आपके पास है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन। तो देखिए अगर ये दोनों अगर इक्वल वन आ रही है, इसका मतलब इस इक्वेशन के लिए कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आएगा, देखिए कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला ये था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यस कनिका यू आर राइट, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन मतलब वी टू माइनस वी वन डिवाइडेड बाय यू टू माइनस यू वन। और ये देखिए अगर दोनों वेलोसिटीज इक्वल आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी जो टर्म आया है, जो मैग्नीट्यूड आया है, सेम मैग्नीट्यूड डिनोमिनेटर में है, तो वो तभी हो सकता है जब ये दोनों क्या हो, इक्वल हो, और इक्वल हो तो कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना आएगा, वन। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो ये कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में करा रही हूँ आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वन, दैट मीन्स दिस इज, हमने रिजल्ट में बताया था कि जब वन होगा दैट मीन्स दैट कोलिशन इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो गई है कि बाय डेफिनेशन v2 माइनस v1 अपॉन u2 माइनस u1 इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड दिस इज इक्वल टू वन, एंड कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वन ओनली इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिशन। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो यहाँ से हम एक और रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया हमने इस इक्वेशन के लिए कि फॉर द परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज वन। एनी डाउट, मूव ऑन करें। ओके अब हम क्या निकालेंगे, अब हम कैलकुलेशन करेंगे किसकी, वेलोसिटीज की।
कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिशन. और आफ्टर कोलिशन हाउ मेनी वेलोसिटीज डू यू हैव? क्विक रिप्लाई करें, कोलिशन के बाद आपके पास कितनी वेलोसिटीज है? यस साक्षी, स्वाति, पवन, सुमित, कनिका, दियाज, बताइए कोलिजन के बाद हम कितनी वेलोसिटी स्टडी कर रहे हैं? कोलिजन के बाद आपके पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दो ऑब्जेक्ट की दो वेलोसिटी हैं, वी वन और वी टू. लेट रिस्पॉन्स, फिजिक्स में ऐसे नहीं चलेगा, यू शुड बी वेरी क्विक. कोलिजन के बाद आपके पास दो वेलोसिटीज हैं, वी वन और वी टू, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फाइनल और इनिशियल. फाइनल और इनिशियल नहीं बेटा, दोनों ही फाइनल होंगी, ठीक है, दोनों ही वेलोसिटीज फाइनल होंगी, क्योंकि कोलिजन के बाद की बात कर रहे हैं हम. कोलिजन से जब पहले की बात करेंगे तो हम दोनों इनिशियल वेलोसिटीज लेंगे, और कोलिजन के बाद जो वेलोसिटीज लेंगे वो दोनों फाइनल वेलोसिटीज लेंगे. आई होप क्लियर है बेटा. किसी के पास आवाज क्लियर नहीं जा रही है क्या? कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि मैम वॉइस क्लियर नहीं है. क्लियर है वॉइस? ओके ओके बेटा, क्लियर है. तो जिसके पास, मनीषा आपके पास क्लियर नहीं है तो एक बार बेटा दोबारा से इन कर लीजिए. अब हम सबसे पहले V1 और V2 फाइंड आउट करेंगे, ठीक है. तो सबसे पहले हम A1 की वेलोसिटी, एक ऑब्जेक्ट A की वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं, और वो क्या है? V1. तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A, दैट इज V1, हम फाइंड आउट करेंगे. तो इसकी तरफ चलते हैं. देखिए अभी आपने ये इक्वेशन लिखी, थर्ड वाली इक्वेशन इज V2 माइनस V1 एंड दिस इज इक्वल टू U1 माइनस U2. From this equation, find out the value of V2. Make V2 as your subject of formula. इसको subject of formula बना लीजिए. तो subject of formula बनाएंगे तो ये V2 हो जाएगा and this is V1 will shift to the right side and ये आपके पास बन जाएगा क्या? ये आपके पास होगा U1 minus U2 plus V1. V1 यहाँ पे minus का है, उधर जाके आपके पास plus का हो जाएगा. This is V1. ये clear है? अब देखिए इस इक्वेशन को हमने जो इक्वेशन लिखी थी लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, उसमें हम वहां पे V2 की वैल्यू पुट करेंगे. मैं आपके लिए इक्वेशन लिख रही हूँ. इक्वेशन क्या थी? M1 V1 फाइनल मोमेंटम, M2 V2 इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम. ये क्लियर है ना? कंफ्यूज तो नहीं होगी ये कहाँ से लिख दी है? अभी आप लोग कर चुके हो ये. तो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे लिख दी. जहां पे भी आपके पास V2 आपको दिख रहा है वहीं पे आप क्या करोगे? इस V2 की वैल्यू रख दीजिए. तो इस V2 की वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? M1 V1. बेटा कहीं पे मैं मिस्टेक कर जाऊं गलती में तो बता देना. V2 की वैल्यू इज U1 माइनस U2 प्लस V1. क्लियर है? और ये आपके पास राइट हैंड साइड तो सेम ही रहेगी क्योंकि इसमें V2 है ही नहीं. M1 U1 प्लस M2 U2. क्लियर है? इस इक्वेशन को एक बार ओपन करो. This is M1 V1 और ये क्या होगा हमारे पास? M2 U1 minus M2 U2 plus M2 V1 and this is equal to M1 U1 plus M2 U2. Clear है? कुछ cancel out हो रहा है? कुछ भी cancel out नहीं हो रहा है, ठीक है, रहने देते हैं. यहाँ पे देखिए आपके पास है M1 V1, ठीक है, और आपके पास है M2 V1, ठीक है. ये दोनों यहीं पे हैं, इनको यहीं पे रख लीजिए. इसमें से आप क्या कॉमन ले सकते हो? इसमें से आप V1 कॉमन ले सकते हो. ध्यान से देखना, इन दोनों को यहीं पे रखिए. V1 को कॉमन रख निकाल लीजिए इसमें से. ये आपके पास होगा V1 को अगर आपने कॉमन लिया, यू आर लेफ्ट विद M1 एंड फ्रॉम हियर यू आर लेफ्ट विद M2. यहाँ तक समझ आया? बाकी सारी चीजों को शिफ्ट कर दीजिए. अब शिफ्ट करोगे तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या बन जाएगी? M1 U1 plus M2 U2. इसको अगर आप लेके जाओगे राइट हैंड साइड में तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस एम टू यू वन. देखिए बहुत ध्यान से करेंगे, ठीक है. और क्या था आपके पास? ये था एम टू यू टू. इसको उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये एम टू और यू टू. क्लियर है? प्लस का हो गया. अब इसमें से हम कुछ कॉमन निकाल सकते हैं. देखिए एम टू यू टू और एम टू यू टू कितना हो जाएगा? टू एम टू यू टू. यहां तक क्लियर है? और आपके पास ये बाकी रह गया. तो इसमें देखिए M1 और M2 ये तो हम कॉमन ले नहीं सकते, मास को तो कॉमन ले नहीं सकते हैं, हम U1 को कॉमन ले सकते हैं. तो ये आपके पास क्या बच जाएगा? M1 minus M2 और आपके पास क्या आ गया? U1 कॉमन आ गया. बेटा
थोड़ा सा पजलिंग तो नहीं है, बट वो ध्यान से करना पड़ेगा, दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे तभी होगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? बस V1 आ गया आपके पास। V1 में क्या करेंगे? बस ये जो आपके पास M1 प्लस M2 है इसको डिवाइड कर दीजिए इधर, तो आपके पास V1 क्या आ जाएगा? V1 आपके पास आ गया है यहाँ पे M1 माइनस M2 V1 सॉरी U1, ध्यान से लिखिए ये। और ये आपके पास क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में? M1 प्लस M2, इसके साथ भी इसका डिवाइड कर दीजिए, 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। किसी को प्रॉब्लम हो तो बताएं कैसे किया, कुछ ना समझ आया हो तो भी बोले। एक वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ कैलकुलेशन आफ्टर कोलिशन, V1 हमने फाइंड आउट कर ली है, ठीक है? तो V1 हमने फाइंड आउट कर ली है, तो V1 का रिजल्ट भी लिख लेते हैं। V1 का रिजल्ट कहाँ लिखें? स्क्रीन तो इतना बड़ा है नहीं, ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमें V1 और V2 ही काम आएंगे, एक अपनी ये इक्वेशन काम आएगी और बाकी तो एक ही इक्वेशन एंड V1 का रिजल्ट। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, समझ गए होगे? अब हम फाइंड आउट करेंगे V2। V1 इज M1 माइनस M2, दिस इज U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, क्लियर है? और ये आपके पास है 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, क्लियर? बाकी को रब कर दीजिए। अब हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी ऑफ बी, ऑब्जेक्ट बी है, ऑब्जेक्ट बी की जो वेलोसिटी है आफ्टर कोलिशन वो U1 नहीं है, कितनी है? V2 है, ना वो U1 है ना वो U2 है आफ्टर कोलिशन, याद रखिए V और B में ऑब्जेक्ट B है, तो ऑब्जेक्ट B की वेलोसिटी इज B। तो अब हम B का कैलकुलेशन करेंगे, तो लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी B, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी B। ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, बस थोड़ा लेंदी हो गया है। अब ये जो आपने V1 की वेलोसिटी निकाली है, सॉरी V1, दिस इज V1, जो V1 की जो वेलोसिटी निकाली, थैंक यू कनिका, V1 की जो वेलोसिटी आपने निकाली है इसको हम रखेंगे कौन सी इक्वेशन में, जो अभी आपने निकाला था ये जो आपके पास इक्वेशन है इसी इक्वेशन से सारा काम होगा। अब V2 माइनस V1 इज इक्वल टू U1 माइनस U2। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अब हम V2 को रखेंगे, V2 को अगर हमने रखा था तो क्या आया था, V2 इज इक्वल टू V1 को तो शिफ्ट कर दिया था, U1 माइनस U2 प्लस V1, यही किया था हमने। अब बेटा कुछ नहीं करना, बस इसमें ये V1 उठा के रख देना है, आई होप आप समझ गए होंगे। इस V1 की वैल्यू रख दीजिए फ्रॉम दिस रिजल्ट, तो ये आपके पास हो जाएगा V2 इज इक्वल टू U1 माइनस U2, ये तो एज इट इज रहेगा। और आपके पास V1 की जगह क्या रखोगे, M1 माइनस M2, और ये आपके पास है U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आई होप ये क्लियर है। ओके अब देखिए थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं इसको, यहाँ पे U1 है और यहाँ पे U1 है, यहाँ पे U2 है और यहाँ पे U2 है, तो इस इक्वेशन में से यहाँ से हम U1 कॉमन ले सकते हैं और इन दोनों टर्म्स में से हम U2 कॉमन ले सकते हैं। तो अगर U1 कॉमन लेते हैं हम, तो हमारे पास क्या आएगा, U1 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से आपके पास बचेगा 1 और यहाँ से आपके पास रहेगा M1 माइनस M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आई होप ये क्लियर है। फिर आपके पास क्या रहेगा, आपके पास रहेगा U2 को कॉमन लीजिए, U2 को कॉमन लेंगे तो देखिए ये वाली टर्म तो माइनस में है। एक मिनट बेटा, U2 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ से U2 को कॉमन लेंगे तो पहले इसको रख लेते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा, इसको कॉमन लेंगे तो पहले ये वाली टर्म लिखेंगे M2U2 वाली, तो पहले हम लिखेंगे 2M2 आपके पास है डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और फिर आपके पास कौन सी है, ये तो माइनस 1। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? बस अब कुछ नहीं करना है, एलसीएम ले लीजिए अंदर, ये आपने U1 लिखा, इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम आया M1 प्लस M2, देखिए इसके अपॉन में 1 है तो यहाँ पे क्या आएगा, M1 प्लस M2 प्लस M1 माइनस M2, ठीक है ये सबको क्लियर है। प्लस U2 इन द सेम वे, यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम इज अगेन M1 प्लस M2,
यहाँ से आपके पास m1 प्लस m2 डिनोमिनेटर में है ही, तो 2m2 माइनस यहाँ पे 1 है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए माइनस है माइनस है, तो ये आपके पास हो जाएगा m1 और ये m2 भी किसका हो जाएगा आपके पास माइनस में। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अब देखिए आपके पास क्या चल रहा था, ये v2 के इक्वल चल रहा था, v2 के इक्वल है, तो देखिए अब v2 क्या आ जाएगा, यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है m2 से, m2 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास क्या रह गया यहाँ से इस इक्वेशन में से, अब u1 को मल्टीप्लाई कर लीजिए, m1 plus m1, 2m1 और साथ में u1, तो ये आपके पास आ गया 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 plus m2, क्लियर? प्लस यहाँ से क्या होगा, देखिए आपके पास यहाँ पे एक 2m2 है, 2m2 में से अगर m2 माइनस करेंगे तो एक m2 आपके पास रह जाएगा और एक m1, तो यहाँ पे आपके पास रहेगा m2 minus m1 और मल्टीप्लाइड बाई यू टू एंड डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, ये आपके पास बेटा आ गया क्या, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पी। तो ये आपके पास कोलिजन आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी आ गई किस ऑब्जेक्ट की, ऑब्जेक्ट बी की। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कुछ नहीं है, देखिए कितना ईजी है, बस यहाँ तक यहाँ इसको रिजल्ट को लिख लेते हैं, दिस इज टू एम वन यू वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू प्लस m2 minus m1 और आपके पास u2 है और ये आपके पास आ गया m1 plus m2। क्लियर है बेटा? कोई डाउट नहीं है, अभी तो बहुत कुछ करना है, एक घंटे की क्लास है ये, बहुत सोच समझ के मैंने अरेंज किया है कि हाँ, कल आप लोगों को इसलिए नहीं कराया क्योंकि तो कराते तो हो नहीं पाता। ओके, अब हम क्या करेंगे, बस कुछ नहीं है, डरो मत, अब हम कुछ दो तीन केसेस देखेंगे कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास अगर इक्वल हो जाए तो हमारे इक्वेशन पे क्या चेंज आएगा, ठीक है? अगर एक मास ज्यादा हो जाए दूसरे मास से तो हम कैसे हमारा रिजल्ट चेंज होगा। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर केसेस डिफाइन करेंगे, पर्टिकुलर केसेस, और फर्स्ट पर्टिकुलर केस क्या होगा, व्हेन जो दोनों बॉडीज हैं आपके पास एम वन बॉडी ए प्लस बॉडी ए एंड बॉडी बी, उन दोनों बॉडीज का अगर हम मास क्या ले लें, इक्वल ले लें, एम वन इज इक्वल टू एम टू ले लें, तो इक्वल हो गया, तो कहना है इसे दोनों बॉडीज का मास इज सेम, ठीक है? तो उस केस में देखिए आपका वी वन कैसे चेंज होगा, वी वन कैसे चेंज होगा, देखिए यहाँ से एम वन माइनस एम टू है, और जो जब दोनों एम वन एम टू का मास इक्वल हो जाए, मान लो 5 kg हो गया, तो ये आपके टर्म आपके पास क्या बन गई, जीरो, ये कम्प्लीट टर्म जीरो हो गई और आपको रिजल्ट सिर्फ यहाँ से मिलेगा, तो ये आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, ये आपको रिजल्ट मिलेगा, इस m2 को आप क्या रख सकते हो, m रख सकते हो, तो ये आपके पास आ गया 2m u2 और डिवाइडेड बाय m1 plus m2, m1 plus m2 है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी m और यहाँ पे भी m, तो m plus m 2m, तो 2m से 2m क्या हो जाएगा, कैंसिल, वेरी गुड कनिका, u1 आपके पास, v1 आपके पास क्या आ जाएगा, v1 आपके पास आ जाएगा किसके, u2 के, ठीक है? यही तो होना चाहिए था, V1 आपके पास क्या है, आपके पास V1 है फाइनल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट A आफ्टर कोलिजन, और ये है वेलोसिटी ऑफ B बिफोर कोलिजन, ये देखिए दिस इज वेलोसिटी ऑफ A आफ्टर कोलिजन है, और ये है आपके पास वेलोसिटी ऑफ B बिफोर कोलिजन। प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको पता होना चाहिए, v velocity after collision है, one लगा हुआ है, इसका मतलब object A की है, ठीक है? u2 है, तो u है, तो मतलब initial velocity है, कौन से object की है, b की है, ये result clear है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, second result देख लेंगे v2 वाला, कि v2 कैसे change हो रहा है, v2 में देखिए ये आपके पास 2m u1 है, तो यहाँ से तो आपके पास m है, तो वो हो जाएगा 2m u1 divided by m1 plus m2, तो ये आपके पास हो जाएगा 2m1, या फिर 2m लिख दीजिए, ये तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0, 2m से 2m कैंसिल, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, v2 is equal to v1, क्लियर बेटा? गुड, v2 is equal to v1, तो आपको पता है this is velocity of v after collision is equal to velocity of a before collision, क्लियर है? अब ये इक्वेशन कब होगी बेटा, ये तभी होगी जब दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो मास है वो कैसा है, इक्वल है, और ये कोलिजन आपका कैसा है, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, तो इन दोनों की वेलोसिटीज आफ्टर में क्या हो गई है, आपस में क्या हो गई है, इंटरचेंज हो गई है, ठीक है? तो ये इक्वेशन वैसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग
इस रिजल्ट को हम लोग यूज करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स वगैरह के अंदर, जहाँ पे आपके पास क्या करते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी वेलोसिटी को कम करने के लिए हम क्या कराते हैं उनको कोलाइड करवाते हैं विद द प्रोटॉन्स। जो आपके पास हाइड्रोजन एटम्स के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनका इक्वल मास होता है, उनके साथ प्रोटॉन कोलाइड करवाते हैं और उससे क्या हो जाता है तो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स है वो स्लो डाउन हो जाते हैं और हमारे पास जो रिएक्शन है वो कंट्रोल्ड रिएक्शन बन जाती है। ये आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हो। यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आगे चलते हैं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्लियर है ना? इसको रब कर देती हूँ, ये रिजल्ट हमें कहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। और जब मैं फाइनल एग्जाम में फाइनल डेरिवेशन दूंगी आप लोगों को ये 5 मार्क्स की तो उस केस में आपको सारे पर्टिकुलर केसेस जो भी मैं करा रही हूँ सब लिखना है। सेकंड आपके पास ये तो था फर्स्ट पर्टिकुलर केसेस, देन M1 और M2 दोनों क्या थे? इक्वल थे। अब हम ये मानेंगे कि जब आपके पास बॉडी बी है वो इनिशियली किस पे है? रेस्ट पे है, इनिशियली एट रेस्ट। तो इनिशियली अगर रेस्ट पे है मतलब ये बॉडी A1 है, ये दिस इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी U1 एंड दिस इज बॉडी B, दिस इज मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी U2। अब हम इसको रेस्ट पे कर रहे हैं, रेस्ट पे कर रहे हैं तो U2 आपके पास क्या होगा? U2 तो जीरो हो जाएगा, ठीक है? इसका मतलब U2 क्या हो जाएगा? जीरो। बस उससे भी हमारी वेलोसिटीज देखिए, V1 और V2 का रिजल्ट क्या होने वाला है? वेरी गुड बेटा, काफी लोग साथ साथ बता रहे हैं। तो ये M1, V1 और V2 चेंज हो जाएगा क्योंकि U1 जहां पे भी U2 होगा वहां पे आप क्या पुट कर दोगे? जीरो। तो देखिए आपके पास U2 अगर जीरो पुट करोगे तो V1 में ये टर्म क्या हो जाएगी? जीरो। और आपके पास क्या रहेगा? आपके पास रहेगा V1 कितना? M1 माइनस M2, दिस इज U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। देखिए अब इस केस में हमने सिर्फ U2 को जीरो लिया है, मतलब ऑब्जेक्ट बी को रेस्ट पे रखा है, M1 और M2 को M नहीं किया है। तो कहीं आप इसको भी M1 और M2 को इक्वल करके इसको भी जीरो कर दो, ठीक है? ऐसे ही आपके पास V2 क्या आएगा? V2 भी आपके पास यहाँ से देखिए ये U2 क्या हो जाएगा? जीरो। और ये आपके पास होगा V2 कितना? 2M1U1 डिवाइडेड बाय क्या होगा? M1 प्लस M2। आई होप ये रिजल्ट भी सबको क्लियर है, ठीक है? अगर इस रिजल्ट में अब मैं ये कर दूं कि ये आपके पास V1 आ गया और ये आपके पास V2 आ गया, कब? जब ऑब्जेक्ट B किस पे है? रेस्ट पे। लेकिन अब इसी के अंदर मैं ये कर दूं कि ऑब्जेक्ट B तो रेस्ट पे है ही, लेकिन इन दोनों बॉडीज का जो मास है वो कितना है? इक्वल है। तो उस केस में देखिए V1 तो कितना हो जाएगा? V1 हो जाएगा आपके पास जीरो, क्योंकि ये दोनों मासेस अगर इक्वल तो V1 हो गया जीरो। और V2 कितना होगा? V2 होगा 2m, दिस इज U1 और ये आपके पास M1 प्लस M2 कितना आ जाएगा? दोनों तो इक्वल है तो ये आपके पास 2m और ये कैंसल्ड आउट, दैट मींस V2 किसके इक्वल आ गया? U1। ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो ये आपके पास इसी तरीके से 2-4 और केसेस हैं, वो भी स्टडी कर लेते हैं। किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इनमें? साथ साथ क्लियर हो रहे हैं ना बेटा? बस जस्ट मैथमेटिकल इक्वेशन है और कुछ भी नहीं है, फिजिक्स का कंसेप्ट तो लग ही नहीं रहा, अभी तो मैथ्स कर रहे हैं। अब इसमें छोटे छोटे केसेस तो आपकी बुक्स में गिवन है, वैसे आप खुद भी कर सकते हो क्योंकि काफी मैं कुछ करा चुकी हूँ आप लोगों को। अगर इसमें नेक्स्ट गिवन है कि अगर यहाँ पे हमने V1 को जीरो लिखा था, V1 जीरो आया था इस रिजल्ट से, तो V1 अगर जीरो आ गया इसका मतलब कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट आपका एक इस पे आ गया है रेस्ट पे। तो ये सारी चीजें आप याद रखिए, ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर V1 जीरो आया है इसका मतलब क्या है, ठीक है? अब ये देखिए एक केस है इसमें बी, व्हेन टारगेट बी इज रेस्ट, जो आपके पास टारगेट बी आपने रेस्ट पे किया था, जो बॉडी बी थी वो रेस्ट पे की थी, वो रेस्ट पे है एंड इज वेरी हाई। बी इज एट रेस्ट एंड इट इज वेरी हाई, सॉरी वोरी वेरी हैवी, नोट हाई, वेरी हैवी, दैट मीन्स इसका मास जो है वो क्या होगा? बहुत बहुत ज्यादा होगा। कहने का मतलब है M2 इज वेरी 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 ग्रेटर देन M1। और बेटा जब यहाँ पे वेरी 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 लग जाए ना, वहां पे इस छोटे से छोटे चीज को हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो आपके पास क्या आएगा? जो अभी हमने इक्वेशन निकाली थी V1 की, जो अभी जो मैंने रब कर दी है, V1 में हमने क्या निकाला था कि आपके पास आ गया था V1 M1 माइनस M2। ये हम वो केस कर रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्ट B पे, B किस पे है? रेस्ट पे है। तो हमने ए पार्ट तो ये किया था कि ऑब्जेक्ट अगर
बी रेस्ट पे है और दोनों मासेस इक्वल हो जाए तो वी वन आपका जीरो आ गया था। अब हम क्या कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट बी तो रेस्ट पे ही है लेकिन हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट बी बहुत हैवी है, तो वी वन क्या आया था यहाँ पे, हमने याद है रेस्ट पे किया था तो ये वेलोसिटी क्या आ गई थी, जीरो। तो ये इक्वेशन में ये बच गया था आपके पास, तो ये आपके पास था ये, यही था। तो अब हम क्या करेंगे इसमें, ऑब्जेक्ट एम टू बहुत हैवी है किससे, एम वन से, तो एम वन को हम क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं और ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस एम टू यू वन डिवाइडेड बाय, यहां से भी एम वन प्लस एम टू है तो ये आपके पास सिर्फ क्या रहेगा, ये आपके पास सिर्फ एम वन को तो आपने नेगलेक्ट ही कर देना है तो ये आपके पास सिर्फ क्या रहेगा, एम टू रहेगा और ये आपके पास वी वन आ गई। इसी तरीके से वी टू क्या आएगा, ऑब्जेक्ट बी को रेस्ट पे रखा है तो ये टर्म तो क्या हो जाएगी, जीरो, सिर्फ इससे आपको रिजल्ट मिलेगा। तो इससे भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए एम वन को तो आपने नेगलेक्ट ही कर दिया है तो ये पूरी टर्म भी आपके पास क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये था बेटा आपके पास आज के इन इलास्टिक कोलिजन के बारे में। अब इसके बारे में अगर थर्ड केस और पढ़ ले, हम क्या करें, बी किस पे है, रेस्ट पे, तो बी की वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। और आपके पास अगर एम वन बहुत ज्यादा हैवी है, एम वन बहुत ज्यादा हैवी है तो हम क्या करेंगे, एम टू को नेग्लेक्ट कर देंगे, और एम टू को नेग्लेक्ट कर देंगे तो सेम जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है वैसे ही आपकी, अगर एम टू बहुत हैवी है तो जहाँ पे भी एम टू है उसको जीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे भी जीरो पुट कर देंगे और यहाँ पे भी जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक क्लियर है इस चीज के बारे में, किसी को कोई डाउट है तो बताइए बेटा, कोई डाउट तो नहीं, अगर डाउट नहीं है तो एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो दैट आपको क्लियर हो जाए। ये क्लियर है ना, प्लीज ये मत बोल देना कि मैम रिपीट करा दो कंप्लीट, एक न्यूमेरिकल कीजिए फटाफट, एक न्यूमेरिकल जल्दी लिखिए, आप सब लोग सोल्व करेंगे। ए बॉडी ऑफ मास 2 kg मेक्स एन इलास्टिक कोलिशन, और ये सारे न्यूमेरिकल साथ साथ कीजिए घर जाके, इलास्टिक कोलिशन विथ एनदर बॉडी एट रेस्ट, देखिए दूसरी बॉडी रेस्ट पे है बेचारी, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, देखिए रेस्ट पे तो भी डायरेक्शन चेंज नहीं की कि रास्ता बदल लो, है ना, विद अ स्पीड इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड। देखिए बेटा क्वेश्चन को ध्यान से समझे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास ए बॉडी है ऑफ मास 2 kg, लिखते चलते हैं टाइम ज्यादा है नहीं, मान लेते हैं फर्स्ट बॉडी का ही हमने मास कितना ले लिया 2 kg, मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट, दूसरी बॉडी है हमें नहीं पता वो किस पे है, रेस्ट पे है, तो यू टू मतलब उसकी वो इनिशियल वेलोसिटी नहीं है कुछ, वो रेस्ट पे है तो यू टू में जीरो मिल गई है, ठीक है। अब जो दूसरी बॉडी है उसका मास हमें नहीं गिवन है, इसने सिर्फ यही बताया है कि दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, एंड कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, मतलब ये जो फर्स्ट वाली बॉडी है वो किस पे है, मास इसका ये है और मतलब कंटिन्यूसली चल रही है विद इट इन द ओरिजिनल डायरेक्शन विद द स्पीड इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, तो इसकी जो आफ्टर कोलिजन वाली स्पीड है, कोलिजन हो गया और कोलिजन के बाद जो इसकी स्पीड है वो कितनी है, जितनी इसकी ओरिजिनल स्पीड थी उसका कितना है, 1/3। तो ये सारी चीजें आपको गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास वी वन हो गया, ठीक है, यू टू हो गया, एम वन हो गया, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, मैंने कहीं लिखा है आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द मास ऑफ द सेकेंड बॉडी, सेकेंड बॉडी का मास फाइंड आउट करना है, दैट मींस आप लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, एम टू आपको फाइंड आउट करना है। बेटा जो लेट आए हैं प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें एक बार, 1 kg सबने निकाल लिया है, वेरी गुड, मुझसे भी शार्प हो गए हो आप लोग, तो एम टू आपको निकालना है, सिंपली आप क्या कर सकते हो, कैसा कोलिजन है, इलास्टिक कोलिजन है वन डायमेंशन के अंदर, वी वन की वैल्यू आपको पता है, एम वन माइनस एम टू, दिस इज यू वन डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू, जिनको नहीं आया है वो इस फॉर्मूले से कर ले,
एम टू यू टू डिवाइडेड बाई एम वन प्लस एम टू। देखिए इसमें क्या क्या गिवन है आपको, वी वन आपको गिवन है यू वन बाई थ्री, ठीक है बेटा, दिस इज नोट 41, दिस इज यू वन, यू वन बाई 43। अब क्या करेंगे हम एम वन और एम टू, एम वन का मास आपको दे रखा है टू, तो टू माइनस एम वन और ये आपके पास होगा यू वन, और ये आपके पास कितना है एम वन, ये हो गया टू, और ये अगर एम टू नहीं है तो इसको एज इट इज रख लीजिए, प्लस टू एम टू आपको नहीं गिवन है एम टू, यू टू कितना है जीरो, तो देखिए इसमें तो कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, बहुत इजी हो गया हमारे लिए। ऐसे इक्वेशंस कितनी कन्वीनियंट होती है ना जिसमें कुछ जीरो मिल जाए। तो देखिए क्या करेंगे सिंपली, यू वन बाई थ्री इज इक्वल टू टू, सॉरी टू माइनस एम वन और टू प्लस एम टू, और साथ में देखिए क्या है यू वन, तो यू वन को यू वन से कैंसिल कर दीजिए, ये भी बहुत अच्छा होता है ना, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस इज सिक्स माइनस थ्री एम वन इज इक्वल टू टू प्लस एम टू, क्लियर। तो ये आपके पास क्या होगा, सिक्स माइनस टू करेंगे तो ये हो जाएगा फोर, एंड दिस इज इक्वल टू, ये भी उधर लेके जाएंगे तो फोर एम टू। देखिए मुझसे पहले आप लोगों ने क्वेश्चन निकाल लिया, इसका मतलब बहुत अच्छे से समझ आ रहा है। नहीं, थैंक यू फॉर द क्लास, और किसी को प्रॉब्लम हो